हमारा जो भाई है ना जो पीछे इसका चैनल इसका जो है यार क्या यार तेरा चैनल नाम मुझे नहीं याद यार किसी को क्या याद होगा अभी फिलहाल सवा तीन हो चुके हैं और अभी हम निकल रहे हैं डैम के लिए तो और साथ में चल रहा है धीरज वो भी तैयार हो रहा है तो फिर कुछ देर बाद निकलते हैं 5-10 मिनट में। तो फाइनली गाइस हम रेडी हो चुके हैं मेरी स्कूटी पर चलेंगे और धीरज यहाँ पर रेडी हो चुका है और हम नीरज की वेट कर रहे हैं और वो भी आ गया अपना बैग लेकर तो चलते हैं गाइस। अभी इसके आगे कच्चा रास्ता शुरू हो जाएगा लगभग 1-1.5 किलोमीटर का कच्चा रास्ता और फिर पहुंच जाएंगे और इधर आस पास सभी जगह पहाड़ियाँ शुरू हो गई हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे तो। तो यहाँ से अभी कच्चा रास्ता शुरू हो गया अभी पहुंच गए पानी के लिए उधर से डैम है और डैम का जो पानी है ना इधर इस जगह पे जा रहा है बीच में तो काफी बढ़िया जगह ना इधर बादल देख रहे हो बादल कितने अच्छे बादल लग रहे हैं। एक्चुअली ये फोन बहुत बढ़िया है क्योंकि हमने मांग कर लेकर आए हैं हम तो तो बने रहिए ब्लॉग के साथ एक्सप्लोर करेंगे आज थाना डैम की ब्यूटी। Look at the beauty of the dam. ये मैंने इससे कॉपी किया इस बंदे से लाइन। और फ्रेंड्स ये है डैम ये एक छोटा सा डैम एक छोटा सा बांध। इस वक्त हम डैम के ऊपर खड़े हुए हैं और ये मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे पानी ये बहुत छोटा सा डैम है लेकिन बहुत ही अच्छा है। ये पानी वाला व्लॉग है फिर से यार हमारे रिश्ता पानी वाले व्लॉग से बहुत ही गहरा है। देखना हो तो यार नीरज के चैनल पर जरूर देखें आप। ठीक हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर बोटिंग कर रहे हैं ये सोच रहे हैं कि नहाया जाए क्योंकि ये नहाए नहीं है काफी दिन हो गए इसने जो अपना जो सामान लेकर आया नहाने के लिए साबुन भूल गया यार मैं साबुन भूल गया लेकिन यहाँ पर देखो पहाड़ी एरिया कुछ ना कुछ जड़ी बूटियाँ जरूर मिलेंगी नहाने के लिए लाल मिट्टी से
लाल मिट्टी से जो गोलू 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 वो उसको जो गोलू होता है वो होती है वाइट मिट्टी होती है, घरों में जो चूल्हे होते हैं उस पे लगाने के काम आती है। जे नहाएगा, मैं डेली नहाता हूँ। तो गाइस एक बात शेयर करनी थी, तो यार हिमाचल घूमने जाते हैं हम पंजाब के लोग, हिमाचल में कितनी अच्छी अच्छी जगह है, लेकिन देखिए हमारे इधर भी बहुत अच्छी जगह है। देखिए लेकिन मैं कभी यहाँ पर आया ही नहीं, पहली बार आया, पहला ब्लॉग। आप गाइस जरूर अपना प्यार देना यार, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सपोर्ट करना, ताकि मैं पैसे कमा सकूं। तो गाइस सोच रहे हैं यार वोटिंग करके आए, क्योंकि वहां पर वोट कड़ी है, तो वहां पर कुछ लोग हैं जो वोटिंग कर रहे थे पहले, तो अभी सोच रहा हूं मैं भी करूं। कभी एक्सपीरियंस भी नहीं किया वोटिंग, तो किसी ने भी नहीं किया तो हाँ मैंने साइंस सिटी में किया था। तो उधर ना एक सामने उस जगह पे वो देख रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे अभी, तो अगर फोटो शूट कर जल्दी करके फ्री हो गए तो उस जगह पे जाएंगे देखने के लिए। ये बांध बस पानी रोकने के लिए बनाया गया, ताकि जो इसका पानी है वो जैसे इधर खेत देख रहे हैं ना आप इधर, तो खेतों को पानी लगाने के लिए ना इधर पाइप वगैरह की सप्लाई से, तो खेतों को लगाने के लिए बांध बनाया गया। तो उधर चले, उधर भी देख के आते हैं। अगर किसी का वजन बहुत ज्यादा है ना, तो वो एक प्रोसीजर फॉलो कर सकता है, आप पानी में जाकर ना चौकड़ी लगाकर बैठ जाना है, और बस 5 मिनट तक ना वहाँ कपाल भाती करनी है। 5 मिनट के बाद आप इतने हल्के हो जाओगे, तैरोगे, अब तैरोगे, गारंटी है मेरी। उसके लिए देखो कितने कितने नुस्खे बताता हूँ मैं आपको, प्लीज यार सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब। तो इतनी बढ़िया हवा आ रही है ना इधर, इतनी तेज हवा चल रही है ना यहाँ पर, इतना बढ़िया लग रहा है। तो इसके बाल देख सकते हैं अभी कैसे उड़ रहे हैं ना, तो इतनी तेज हवा चल रही है, तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब इतना बढ़िया फील हो रहा है ना यहाँ पर। बहुत दिनों के बाद इधर घूमने आए ये मेरे दोस्त लोग, हेलो बोलो, हाय बोलो, हाय बोलो, चाय पी लो। काफी ठंड होगी यार, ठंड इसलिए क्योंकि यहाँ पर हवा चल रही है, रोमांटिक मौसम है, रोमांटिक अच्छा नहीं लगता। तो यार गाइस देखो आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियो बना, बढ़िया ही है मेरी तरफ से पहली वीडियो है, कितनी 12 बार इंट्रो रिकॉर्ड कर चुके हैं, 12 बार गिन में 12 बार यार गाइस, वो जो लाल वाला बटन होता है ना सब्सक्राइबर वाला, जो रोमांस करो के साथ तुम कुछ भी हो रोमांस करो, वो क्लिक हो जाना चाहिए, मैं बता रहा हूँ। तो यार मेरे को भी ना ब्लॉगिंग का भूत सवार हो गया है, तो यार कैसे करते हैं ये मुझे पता नहीं। जैसे बनेगी बनाऊंगा, लेकिन तेरे जैसे यूट्यूब क्रिएटर के पास नहीं आऊंगा। जैसे बनेगी बनाऊंगा, और तेरे पास भीख मांगने का भी नहीं आऊंगा। नहीं नहीं, इधर मेरी वीडियो देख, ये मेरे फैंस है यू नो। यार देखो पता क्या है यार, हमारे जो चैनल जो हमारा, मेरे को नहीं पता, मेरे को नहीं, ये हमारा जो भाई है ना जो पीछे इसका चैनल, इसका जो है यार, क्या है यार तेरा चैनल नाम, मुझे नहीं याद यार, किसी को क्या याद होगा। तो हम वहां से आए हैं, वो उधर हमारी स्कूटी खड़ी है, और हम वहां से, मैं उंगली इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 बोटें डाली हैं। देखो अब हम सोच रहे हैं कि वो ऊपर जो बिल्डिंग है उसको भी देखकर आए। ये किसी का घर है अभी क्रिएट नहीं हुआ, और कितनी अच्छी लोकेशन पर यार घर डाला है, देखिए यहाँ से डैम, इधर डैम और इधर गांव का नजारा, जैसे पुराने राजा होते थे वैसे, मुझे लगता है ये किसी राजा का घर है। ये किसी का घर है, और ये किसी कहीं घूमने गया है, किसी कहीं घूमने गया है इस वक्त, तो ये किसी जब किसी आएगा तब देखेंगे, किसी आएगा तो उससे हम पूछ के अंदर जाएंगे। इधर तो झाड़ियां है यार, हम नीचे चलते हैं अब। तो
और जे पक्का डालूंगा मैं। टापू 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 वो वाला टापू है ना, ये किधर है वो टापू दिखाई दे रहा ना, जिंगा लाला उस टापू पे होगी। अगर मैंने ब्लॉग बनाया तो मुझे लगता है 15-20-40 घंटे का लगातार ही होगा, और उसमें एक भी कट नहीं होगा। मैं और धीरज दोनों मिलके बनाएंगे ब्लॉग। कई महान जो ब्लॉगर हैं उन्होंने बनाया हुआ है, 365 दिन का ना बनाया है ना ब्लॉग, हम लगातार 365 दिन का बना देंगे ब्लॉग। यार पता क्या है यार, मैं बताता हूँ ब्लॉगिंग कैसे होती है। तो आज हम आए हैं डैम के ऊपर, बच्चों बजाओ ताली, और यहाँ पर हम करेंगे ब्लॉग का शूट, बच्चों बजाओ ताली। और ये मेरी पहली वीडियो, बच्चों ठहरो, ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, बच्चों बजाओ ताली। तो यार आज हम घूमने आए हैं, बच्चों बजाओ ताली। तो यार ऐसे ही हंसते रहो, कुछ क्या पता ना जाने क्या बनेगा हमारा। कुछ तो बनेगा। तो अब हम अभी बोटिंग का पता करके आते हैं, वहां से रास्ता तो नीचे पता करके आते हैं पहले। तो अगर प्राइस अपने बजट में हुआ तो बोटिंग करेंगे, अदरवाइज वापस आ जाएंगे। और क्या तो वैसे भी हमने तेल 50 का डलवाया इसलिए। बात ये है कि हम सोच रहे थे कि हम एक बोट का लुफ्त उठाएं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भाई साहब छुट्टी करके घर को जा रहे हैं। हम झूठ बोल रहे हैं क्योंकि हमने कैश कैरी नहीं किया, तो उसकी टिकट जो है वो हमारे बजट से बाहर है। तो अगली बार जरूर हम कैश लेकर आएंगे, हम अपनी कच्चे बनियानों की जगह कैश लेकर आएंगे। अभी सब पहुंच हो चुके हैं और अभी जा रहे हैं हम घर को वापस। तो वैसे सामने एक जगह है जो आप वो वाली देख रहे हो, तो कोशिश वहां भी जाके आए, अदरवाइज हम अभी घर को निकलने। तो वह फिलहाल अभी इधर घूमने 15-16 बार जो अनिल है ना इंटर रिकॉर्ड कर चुका है, सो कह रहा था कि व्लॉग बनाना है, तो ऐसे ही बस लगा है। तो इसके कारण अभी फोन इसके पास चला जाता है और बीच में व्लॉग जो है स्किप हो जाता है। नेक्स्ट टाइम अगर आएंगे तो पैसे वगैरह लेके आएंगे कुछ ज़्यादा, तो फिलहाल तो अभी नहीं है। तो फिलहाल इसलिए अभी बोटिंग का प्लान कैंसिल कर दिया हमने। देखो बच्चे को भूख लगी इसलिए हमें जाना होगा, लेकिन जो है अगली बार आएंगे तो बोटिंग जरूर करेंगे हम। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का यार। नीचे मेरा भाई खड़ा उधर, हाय बोला, हाय। काफी मजा आ रहा है यार कैमरे के सामने, मतलब जी कर रहा है कि कैमरे को बंद ना करूं, लेकिन करना होगा क्योंकि मेरा भाई जो है उसका मुंह उतर गया है, क्योंकि उसके ब्लॉग की ऐसी तैसी मैंने फेर दी है। क्योंकि मेरा तो पता नहीं यार, मैंने एडिट करके डालना भी है कि नहीं डालना है, कच्चा रास्ता हो रहा है। उसके ब्लॉग की मैंने मतलब एक कर दी है। तो बाय बाय थाना टाइम। तो अभी इसके बाद शायद ही कभी मौका मिलेगा, क्योंकि अभी और भी बहुत ज़्यादा इंडिया में जगह है घूमने वाले। तो आप सभी लोग प्यार देते रहिए, और ताकि हम आपको और नई नई जगह के बारे में एक्सप्लोर कराते रहें। मिडिल क्लास फैमिली है तो फिर थोड़ा सा बजट का भी देखना पड़ता है, तो उस हिसाब से कोशिश करेंगे जैसा जैसा होगा आपको नई नई जगह एक्सप्लोर कराएंगे अपने एरिया की, और जो भी बढ़िया जगह होंगी इंडिया की। हमारी मेहनत और भगवान के आशीर्वाद ने किया तो हम आपको आउट ऑफ इंडिया कुछ फॉरेन कंट्री में भी घुमाएंगे, तो दिखाएंगे आपको बाहर का व्यू भी। इधर खड़ी स्कूटी को, और तो अभी यहाँ पर मेरी इंटरव्यू, मेरा घर है, तेरा घर है, तेरी इंटरव्यू। चल कल मैं चाड़ना है फिर, ठीक है मैं मान गया। चल जे मैं चाड़ता फिर मैं मान गया। चल मेरे पर वो ना कर, मैं थोड़ा एडिट करने लगे नहीं लंदा, ठीक है मैं मान गया। पक्का? हां ठीक है, जे मैं सवेरे चाड़ता ठीक है, गारंटी है मेरी। डन, मतलब चढ़ा है मैं ना चढ़ा है पर पूरा पूरा तैयार होऊंगा। हां ठीक है, मैंने सेंड करा दे एक बारी प्रोजेक्ट है सारा। ठीक, तो अभी स्कूटी यहाँ पे खड़ी करके हम जा रहे हैं अमित के पास, जिससे मोबाइल लेके आए उसको रिटर्न करने के, रिटर्न करके वहाँ पर ब्लॉग का एंड भी कर दूंगा अभी मैं। और
मिलवा देते हैं ना आपको जिसमें हमारी इतनी हल्की एक बढ़िया व्लॉग शूट करने में तो हल्की है। ठीक है, आई होप कि आपने व्लॉग एंजॉय किया होगा। तो अभी पहले आपको एक बार उस बंदे से मिला लेते हैं। तो ये है बंदा, ये है हमारा छोटा सा भगो। ऐसा मैं करने जा रहा हूं व्लॉग, तो अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो व्लॉग थोड़ा डिले हो जाएगा क्योंकि अभी एक्सपोर्ट की थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि इसके पास अभी इसको मोबाइल रिटर्न कर दिया और पीसी आ गया टाइम पर, तो ठीक है जल्दी से एडिट हो जाएगा थोड़ा, नहीं तो टाइम लग जाएगा। तो फिलहाल अभी बाय बाय, टेक केयर।